नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का यहां एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक प्रॉपर एडजस्टिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म, जैसे किसी का हाथ होता है शॉर्ट, तो उसमें देखने को मिलता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और किसी का जगह अगर लॉन्ग पाम या लॉन्ग फिंगर्स होते हैं तो उन लोगों में एनालिटिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा होती है। परंतु आप जैसे लोगों में ये दोनों खूबी बाकायदा यहाँ रहने वाला है। एग्जाम्पल कि बहुत जल्दी में भी निर्णय लेंगे और बहुत सोच विचार के भी काम आप करना पसंद करेंगे। आपके मन के अनुसार कोई भी काम रहा तो उसमें ज़्यादा निर्णय आप लेंगे ही नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई भी बात रही या कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, तो उसमें प्रॉपर सोच विचार के करना पसंद करेंगे। तो ये एक प्रकार के फ्लेक्सिबल नेचर और एडजस्टिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप में चेंजेस करना या उस परिस्थिति के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेना, ये आपके नेचर में अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ की बात करें तो लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर से थोड़ा ही शॉर्ट है। कम्युनिकेशन स्किल में ज़्यादा इससे प्रॉब्लम आता नहीं है, बट स्ट्रेंजर से बात करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या स्टेज फियर या कई मर्तबा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण घबराहट, ऐसे योग थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। और वहीं याद शक्ति यानी चीज़ों को कहाँ संभाल के रखा है वो ध्यान में नहीं रहता है, वहीं डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग याद शक्ति ये थोड़ी कमज़ोर भी इस कारण से बनती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप निखारते हैं तो नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस अच्छे रहेंगे। अब थर्ड जो फिंगर है वो सूर्य का है, तो नाम ख्याति अच्छा मिलता है, तो सोसाइटी में भी और घर परिवार में भी रिस्पेक्ट और अच्छा नाम रहने के योग बनते हैं, और हिम्मती स्वभाव भी आपका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो उसके कारण हमेशा खुद को एनालाइज करना, लाइफ में नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये सारे योगास भी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब एक चीज़ इसमें आप देखेंगे कि जो लिटिल फिंगर है प्योर कनेक्टेड है यहाँ पर थर्ड फिंगर से, एकदम अटैच है, झुकाव भी है थोड़ा सा इसका, तो फैमिली की बातों को बिल्कुल भी आप जैसे लोग काटते नहीं हैं, बहुत सीरियसली अपने फैमिली के डिसीजंस मैटर्स लेकर के चलने वाले रहते हैं, और फैमिली को लेकर के थोड़े सेक्रीफाइसेस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ देखेंगे तो फिंगर के बीच में गैप्स भी मेंटेन है, जो अधिक खर्चीलेपन को और धन संचय में यानी सेविंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को बताती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो है यहाँ की आड़ी रेखा। जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो जाती है तो रिलेशंस में अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरी भी देखने को मिलता है। इसका जहाँ तक वैलिड रीज़न मुझे समझ में आ रहा है, जैसे कि आपका जो पाम है वो एकदम सॉफ्ट है, तो जो सॉफ्ट पाम होता है ये सेंसिटिव पर्सनैलिटी को ज़्यादा बताता है। अब जैसे आप सेंसिटिव थोड़े से ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं कि भीड़ में आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा लोगों के साथ कहीं ना कहीं घुटन महसूस होने लगती है, लाउड प्लेसेस पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, शांति प्रिय स्वभाव और नेचुरल मतलब नेचर लवर आप यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। मतलब यहाँ पर आपका जो नेचर निकल के आता है हेल्पिंग लविंग और एक प्रकार से इमोशनल नेचर भी ज़्यादा रहता है, तो इस कारण से होता यह है कि कई मर्तबा अपनी बातें दूसरों को समझा भी नहीं पाते हैं या दूसरे लोग आपको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक्सपेक्टेशन आपकी दूसरों से लग जाता है, जिसके कारण रिलेशन में किसी भी टाइप के रिलेशन में आपको इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स ट्रबल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके साथ चीट किया हो या फिर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ गया हो, तो उस कारण से भी यहाँ की आड़ी रेखा डेवलप्ड हो जाती है। हालांकि इन सब के मैं रेमेडीज़ आपको ऑफर करूँगा बताऊँगा, बट आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखना है और एग्रेशन पर भी गुस्सा पर भी कंट्रोल करना है। देखा जाए यहाँ पर तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी ठीक देखने को मिलता है, फिजिकली ज़्यादा ट्रबल या इश्यूज ऐसे होते नहीं हैं, और जो नॉट्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर डिस्टर्ब है फिंगर पर, तो इस कारण से प्रॉपर कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पाते, थोड़े से डाउट्स ज़्यादा निकल के आते हैं अपने ही खुद के यहाँ डिसीजन पे, किसी भी रिलेशन में या किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब एक प्रकार से दो पक्षीय यहाँ पर आपका मेंटेलिटी देखने को मिलेगा, जो चीज़ एक टाइम अच्छा लगेगा वही चीज़ ख़राब भी लग सकता है।
अदरवाइज़ यहाँ देखें थम का साइज़, तो थम का साइज़ शॉर्ट है यहाँ पे, टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। फर्स्ट फिलेंच की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो इस कारण से आप कहीं ना कहीं फास्ट डिसीजन ज़्यादा लेते हैं। पहले आप एक्शन करते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, प्रो कॉन्स या एनालिसिस उसके ऊपर करते हैं, क्योंकि सेकंड जो फैलेंस है बिल्कुल डेवलप नहीं है, इट मींस लॉजिक पावर नहीं है। जैसे ही दिलो दिमाग में बात आए उस पर डायरेक्टली रिएक्ट किया या एक्शन लिया, वैसे योग ज़्यादा बनते हैं। तो लॉजिक लगा के जैसे अगर कोई भी काम करेंगे आप, तो आपको ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। अदरवाइज़ आपका विल पावर यानी एम्बिशन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी देखने को मिलेगा। यहाँ देखें आप, तो यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप है। जब यव का चिन्ह होता है तो ये सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके कारण अगर आप जैसे मेडिटेशन करें, योगा करें या एटलीस्ट पूजा पाठ भी करें, तो आपका इंट्यूशन तो स्ट्रांग हो गई, इंटेलिजेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी, चीज़ों को समझने की यानी एक प्रकार से ग्रेसिपिंग स्किल आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। इंस्टेंट डिसीजन और हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ये सारी चीज़ें लाइफ में आते हुए आपको देखने को मिलेगी। और वहीं जब फर्स्ट फीलिंग्स पे आड़ी रेखा होती है तो ये धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति भी जीवन में अच्छी देखने को मिलती है। बात करें सेपरेटली पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योरली आपका जो है रेक्टेंगुलर शेप में, जिसमें लंबाई ज़्यादा है। जब लंबाई पाम में ज़्यादा होती है तो बैठे बैठाए अधिक कार्य करने की क्षमता होती है, ज़्यादा फील्ड वर्क या ज़्यादा भागदौड़ दौड़ी वाला काम पसंद नहीं रहता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो यहाँ आप देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन बहुत अच्छा डेवलप है, तो इस कारण से एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर्स लाइफ के प्रति ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है या बहुत ज़्यादा हाई भी रहता है। अब जो थिंकिंग जोन है ये भी डेवलप है, बट एक्शन जोन कम यहाँ पर वीक हो गया है। तो जो आपके प्लानिंग्स रहते हैं वो ऑन पेपर ज़्यादा होते हैं, एक्शन में कम आते हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो शुक्र जैसा आपको डेवलप्ड है, ये शौकीन किस्म का नेचर बहुत देगा, मतलब शौक, अरमान, एक प्रकार से डिज़ायर्स ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है लाइफ में। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो जैसे गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ डेवलप्ड ठीक है, तो इससे नॉलेज आपके पास अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ का ये कारक है तो वैवाहिक जीवन भी आपका संतुष्ट में और अच्छा फ्रूटफुल देखने को मिलेगा। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की अपेक्षाकृत आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ साथ सोशल वर्क में एक्टिव होने के योगों को भी बताता है। इन फ्यूचर आप कहीं ना कहीं एक प्रकार से सोशल वर्क यानी एनजीओस के लिए काम करना या गरीबों के लिए काम करना, वैसे योग ज़्यादा हैं, क्योंकि जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं तो आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा दयालु देखने को मिलते हैं, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है सहयोग प्रदान करना, वैसे योग यहाँ पर अच्छे बन रहे हैं। तो इस कारण से कोई ऐसी बेसिक प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। और यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन भी यहाँ अवेलेबल है, स्टार का फॉर्मेशन भी बन रहा है, लव मैरिज के चांसेस भी इस कारण से अच्छे देखने को मिलते हैं। मैरिड लाइफ के बाद यहाँ बात करें आपके सैटर्न की, तो सैटर्न पर आड़ी रेखा है तो ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, बट यहाँ जो स्क्वायर का साइन है ये एक्सीडेंट से बचाता है, तो दुर्घटनाओं से बहुत बार बचते हुए भी देखने को मिलते हैं। वहीं सीधी खड़ी रेखा जितने एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर हैं उसके कंप्लीट होने की योगों को, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत को और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को यहाँ पर व्यक्त करता है। लाइफ में फुली सेटिस्फाइड रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ तक फेट लाइन की यहाँ बात करें तो फेट लाइन बार बार ओवरलैपिंग के साथ आपका चल रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, फिर ये रेखा गई जिसमें से मून लक लाइन आके जुड़ी, काट के गई, फिर ये रेखा आगे बढ़ रही है। जब ये ओवरलैपिंग होता है तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, अवसर बहुत अच्छे आते हैं, पर ग्रैप उसको ईजिली नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो तकरीबन उम्र जो रही है आपकी 23 से 24-25 के एज तक ये थोड़ा टफ रहा है मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ यहाँ देखें, फिर इसमें आपका एक प्रकार से मून लक लाइन आकर के मर्ज हुआ, जो कि बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। और फिर उसके बाद ये रेखा कंटिन्यूस आगे बढ़ रही है, फिर एक और रेखा आकर जुड़ी है 28 अराउंड एज में, तो अभी भी बहुत अच्छे अवसर आने के चांसेस हैं। और ये रेखा सीधे गुरु को देख रही है, तो फॉरन से कनेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके विद इन 1.5 ईयर। और इसके बाद फिर और भी शाखाएं यहाँ पर आगे की ओर बढ़ी है, जो कि डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को बताता है। और अप्रोक्सीमेटली 35 एज के बाद में और ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन आई है, और जैसे सूर्य की रेखा भी आ रही है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएगी, तो हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेज आपके 29 से लेकर के 35 के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ पर बात करें आपके सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य पर भी देखेंगे आप कि यहाँ पर आपके सीधी रेखा है, परंतु इस पर काटने वाली आड़ी रेखाएं भी हैं। तो इससे होता यह है कि कोई भी काम करते हैं तो उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, या कोई काम का प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता है, अपने लोगों से थोड़ा चीट या धोखा मिलने के योग भी बनते हैं। वैसे योग जब सूर्य पर कोई भी रेखा काटे तो यह थोड़ा डिफेम भी कराता है,
तो इसके लिए सूर्य की रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको अपने वर्क पर हैप्पीनेस जो है वो अच्छा देखने को मिले और सेटिस्फेक्शन भी प्रॉपरली मिल सके। अब यहाँ पर जहाँ तक आप देख पाएंगे तो एक स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है हल्का सा, फिर एक और हो रहा है, तो स्क्वायर के साइंस यहाँ पर अच्छे होते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए अच्छे हैं। बट ये स्क्वायर बन कैसे रहे आड़ी रेखाओं से, तो इसलिए लाइफ में पहले स्ट्रगल स्ट्रेस आएगा, फिर जा करके ग्रोथ और सक्सेस मिल पाएगा। मर्करी माउंट की सेपरेटली बात करें तो ये भी डेवलप ठीक है, तो मन के अंदर वैसे फिर कोई बात दबाते नहीं है और जो फिंगर के दोष हैं यानी लिटिल फिंगर के वो फिर ख़त्म भी होने लगते हैं। एक से अत्यधिक रेखा बहुत अच्छे हीलर और आर्टिस्ट के हाथ में होती है। जितने भी डॉक्टर हुए या जितने भी हीलर्स बिजनेसमैन हुए सबके पाम में इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप जैसे लोगों के वाणी में एक प्रकार का अट्रैक्शन अच्छा होता है या नेचर में, जिसके कारण लोगों को बांधे रखने की क्षमता अपनी और आकर्षित कर लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और कोई व्यक्ति आपकी बात को ना भी नहीं कर सकता क्योंकि कन्विंसिंग स्किल आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इससे देखा जाए तो आपकी वाणी सबसे बड़ी ताकत हो गई, आपका नेचर वॉइस ये हो गया और बिजनेस में भी आपके आने के चांसेस यहाँ पर ब्राइट है। कैलकुलेटिव स्किल भी अच्छा देखने को यहाँ मिलता है, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई मेजर इशू ट्रबल नहीं रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्लर्टी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को बताता है। इट मीन्स चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप थोड़ी देर अफेक्टेड होंगे फिर कहीं ना कहीं अपने खुशी सेटिस्फेक्शन ढूंढ लेंगे। अब जैसे आपकी यहाँ हृदय रेखा है तो ये हृदय रेखा कहाँ कनेक्टेड हो रही है यहाँ देखेंगे आप, तो ये सैटर्न पर रुकी है, फिर हल्की हल्की शाखाओं से गुरु तक गई है, मतलब गुरु माउंट तक। तो जब तक आप रो नहीं देंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। रोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मेंटली और इमोशनली आप स्टेबल हो सकें। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो एक चीज़ देखने को मिलेगा कि हृदय रेखा में आपकी एक तो आइलैंड के फॉर्मेशंस हैं, फिर यहाँ नीचे की ओर भी रेखाएं आ रही है। नीचे की ओर आने वाली रेखा इमोशनल सेटबैक देती है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी राइज ना करें, अपने ओर से 100% दें, गिवर टेकर रखें ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन और एक प्रकार से टेकिंग नेचर वाला बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट अपने लाइफ से हटा दें। दूसरी बात, ये आइलैंड के फॉर्मेशन है यानी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेगा आपको। तकरीबन यहाँ पर 40 अराउंड एजेस में 40 से 45 के बीच में हेल्थ से रिलेटेड हार्ट से रिलेटेड दिक्कत ज़्यादा रहने वाला है। और उसके बाद फिर सीधे जाने वाली रेखा वर्कोहॉलिक नेचर को बताती है, पर हृदय रेखा जो गुरु से कनेक्टेड है ये इमोशनल नेचर में बढ़ोतरी लाती है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचने या दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना वैसे योग ज़्यादा बनते हैं। फिर यहाँ से रेखा निकल के आपके यहाँ पर आपके मंगल से भी कनेक्टेड है, तो इस कारण से एग्रेशन थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है, बट इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। स्टार्टिंग लाइफ में एग्रेशन ज़्यादा था, अभी कंट्रोल्ड है। बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन भी यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर की ओर जो ऑफशूट्स निकले हैं ये अचीवमेंट्स को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में तकरीबन 18 की उम्र के आसपास से ही लेकर के तकरीबन 24 के उम्र के आसपास तक आप निरंतर अपने डिसीजंस के द्वारा ग्रोथ करते रहे हैं या मेंटेलिटी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करते रहे हैं। उसके बाद एक प्रकार से माइंड लाइन फिर यहाँ देखेंगे स्टेबल्ड हो रही है, फिर एक और लाइन यहाँ पर नीचे की ओर से कनेक्टेड होकर ऊपर की ओर उठी है और उसके बाद फिर लाइन आपकी डिक्लाइन हो गई है और उसमें से फिर हल्की हल्की शाखाएँ निकल रही हैं। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अप्रोक्सीमेटली 35 अराउंड एज के आसपास में आप बहुत ज़्यादा फिर ओवर थिंकर बन जाएंगे, 35 नहीं लेकिन 32 से 35 के मिड में ही आप हर बात के फिर जड़ तक जाना स्टार्ट कर देंगे। ओवर एनालिसिस आपका बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी, इमेजिनेशन स्किल बढ़ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिसर्चिंग टाइप ऑफ फील्ड में या नेचर आपका देखने को मिल रहा है, यानी रिसर्च में आपके आने के चांसेस ब्राइट है। माइंड लाइन जब डिक्लाइन होता है इसको नॉर्मली ख़राब नहीं माना जाता है, बट जब ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, वो भी किसी बेफिजूल की बातों पर, तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग से अपने आप को दूर रखें, अदरवाइज जो माइंड लाइन है आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और गुड रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि बायफोर्क जब इतने सारे निकलते हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ रहने वाला रहता है। तो इसके कारण आपके अंदर जो यहाँ एनालिसिस कैपेसिटी है, इनोवेटिव एक प्रकार से माइंडसेट है, इंटेलिजेंसी है, इसका जितना हो सके उपयोग करिए, आपको बहुत बेहतरीन जीवन में ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी मिलने वाला रहेगा। अब यहाँ बात किया जाए आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन में भी ओवरलैपिंग आई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एकदम से आपके राइज होना स्टार्ट हो गया 14 की उम्र के बाद से और ये निरंतर अब होते जा रहा है।
आने वाले टाइम में भी देखेंगे, अभी तो इतना ज़्यादा कोई प्रोग्रेस लाइन निकली नहीं है। जो मेन प्रोग्रेस है वह यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 28 से लेकर के 32 के मिड में है। देखिए कितनी सारी सक्सेस लाइन यहाँ पर निकल रही है, फिर 33, 34, 38, 40, 42, 44, 45, यानी निरंतर फिर ये लक लाइन निकल रही है। इसका मतलब ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है कि व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और खुद के प्रयासों से अब अपने जीवन में अच्छा सफल हो जाने वाला रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ आपकी बाहर की ओर भी रेखा जा रही है, तो विदेश यात्रा के योग भी बहुत अच्छे हैं, फॉरेन से कनेक्शन आपके अच्छे हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग ही नहीं बल्कि वर्ल्ड टूर होने के चांसेस भी ब्राइट हैं। अब यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हुई है वो बहुत पहले से ही हुई है, तो हमेशा किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग आपके जीवन में रहा है, तो जिसके कारण से जो स्ट्रेस है उससे ओवरकम होने में हेल्प भी मिला है, और एक प्रकार से जो ड्रीम डिज़ायर है उसके कंप्लीट होने में भी दूसरे व्यक्तियों ने मदद की है। स्पाउस का सपोर्ट सबसे अच्छा मिलने वाला रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदरूनी मंगल के साथ साथ बाहरी मंगल भी डेवलप्ड है। अगर ये यहाँ पर तिल है तो ये थोड़ा सा एक प्रकार से मानसिक रूप से एक प्रकार से डर को ज़्यादा व्यक्त करता है। अगर ये तिल नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का तिल थोड़ा सा व्यक्ति को एक प्रकार से डरपोक भी बनाता है। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ये योग देखने को मिलता ही है। बाकी यहाँ से जितनी भी ये रेखा निकल रही हैं ये एक प्रकार से कूल काम पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, तो एग्रेशन जो रहेगा आपका वो कंट्रोल्ड हो जाने वाला रहेगा। सोच विचार करके ही कोई फिर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। और ये जितनी भी स्ट्रेसेस लाइन है यहाँ छोटी छोटी काट रही हैं, वैसे इनका ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट यस हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं 28 प्लस एज के बाद में, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा क्योंकि सपोर्टिव लाइन्स अच्छी चल रही हैं, इनफैक्ट लाइफ लाइन भी स्ट्रॉन्ग है। तो छोटे मोटे ये इश्यूज़ जो आएंगे राहु की तरफ से हैं, छोटे मोटे जैसे दो पाँच दिन का बुखार हुआ या एक प्रकार से वायरल कुछ हुआ, तो वैसे योगाज हो सकते, बट उससे अलावा कोई प्रॉब्लम में ऐसे मेजर नहीं है। शुक्र का क्षेत्र जैसे डेवलप्ड है यह अच्छे लग्जीरियस लाइफ को बताता है, और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को बताती है जो कि रिलेशनशिप को लेकर के आपको रह सकता है। इसीलिए मैरिज के पहले किसी भी टाइप के रिलेशन से ट्रबल है और ओवर थिंकिंग से भी आपको बचना रहेगा। बाकी समृद्धि जीवन में अच्छी रहेगी, अच्छा रहन सहन, खान पान, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार, सब जितनी रॉयल्टी है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, लग्जरीज लाइफ पूरी रहेगी। यहाँ से कुछ रेखाएं भी निकल रही हैं तो ये फैमिली के सुखों में भी वृद्धि करता है, फैमिली से लाभ भी अच्छा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपका चंद्र भी पीड़ित है, क्योंकि चंद्र पर भी आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो ये बेचैनी को, एक प्रकार से एनजाइटी को, मन के विचलित होने के योगों को व्यक्त करता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन कर पाना मुश्किल होता है, मन बहुत जल्दी भटकने वाला रहता है। और यहाँ से सन लाइन के साथ साथ मर्करी लाइन्स भी निकल रही है, तो अभी पावर अथॉरिटी अच्छा आएगा, लेकिन कोई भी मनी ट्रायंगल प्रॉपरली यहाँ पर डेवलप्ड नहीं है, तो इस कारण से पैसा अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है। एक यहाँ पर है स्क्वायर का साइन, ये मंगल का क्षेत्र है, और जब यहाँ पर स्क्वायर साइन होता है तो खुद के दम पर खुद की प्रॉपर्टी डेवलप्ड होने के चांसेस ब्राइट रहते हैं, और ये योग 35 अराउंड एज के आसपास में बहुत अच्छा है। लेफ्ट पाम में सेपरेटली आपके फेट लाइन के बारे में बात किया जाए, तो फेट लाइन यहाँ पर आपके मून के एरिया से स्टार्ट है, जितना ग्रोथ आपको बर्थ प्लेस से दूर मिलेगा उतना कहीं नहीं मिलना है। फॉरेन से एक प्रकार से लाभ भी मिलेगा, फॉरेन कंपनी से भी लाभ मिलेगा, और फॉरेन से एक प्रकार से भाग्य उदय भी होने वाला रहेगा। किसी न किसी वे में फॉरेन से कनेक्शन 100% आपका रहेगा, और यहाँ पर भी मल्टीपल्स जो है आपकी फेट लाइन वो ओवरलैप करके चल रही है, तो बहुत बेस्ट अवसर अपने लाइफ में आपको देखने को भी मिलेगा। जितने ड्रीम डिज़ायर हैं सब कंप्लीट होंगे, बस नेगेटिव थिंकिंग और एक प्रकार से बेफिजूल की डर भय चिंता से अपने आप को दूर रखें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।